हरे कृष्णा दिल की बातें आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है चार सितंबर तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या है थीके? तो एकदम से मैंने कार्ड चुन लिए ये चार कार्ड्स आ गए ठीक है ओके एकदम से चार कार्ड आ गए ये फर्स्ट टाइम हुआ अब देखते हैं दूसरी ओर में से कौन से कार्ड निकलते हैं फर्स्त सेकेंड या थर्ड फोर्थ और तो जैसे कार्ड्स निकल रहे हैं मैंने वो ले लिए हैं अब कर अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है देखो हर एक कार्ड जो है वो आपसे रेजोनेट नहीं होगा बिकॉज दिस इज द जनरल रीडिंग तो कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं या कुछ बातें जो है वो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं बहुत सारे लोग देखते हैं जरूरी नहीं कि हर एक को हर एक कार्ड रेजोनेट हो जाए ओके जिंदगी बहुत बड़ी है बहुत विशाल है और हम सब लोग जिंदगी से डील करते हैं कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को जरूर मिलता ही है तो कभी हमारा पराशय होता है कभी हमें सक्सेस मिलता है कभी हम कुछ सीखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में होती रहती हैं तो देखते हैं पहला कार्ड लॉस ये है प्रैक्टिकलिटी मटेरियल वर्ल्ड पेंटाकल्स अर्थ साइन फिफ्थ ऑफ पेंटैकल्स लॉस कहीं कही वो खो गए हैं अपने लाइफ में और आई थिंक एक अवसर जो है वो उन्होंने खो दिया है तो वो कोई भी अवसर हो सकता है और आई थिंक उन्होंने बहुत ही मौल्यवान चीज़ खो दी है एंड समहाउ आई कनेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ थिंग एंड दर इज रिंग तो आई थिंक कोई तो रिंग है जो उन्होंने लूज कर दी है शायद उसका इम्पोर्टेंस उनके लिए कम ज़्यादा हो सकता है ये भी हो सकता है कि मे बी वो आपके लिए कोई रिंग खरीदना चाहते हैं और शायद ये थॉट उनके दिमाग में था और अचानक से उन्होंने ये थॉट रिजेक्ट कर दिया या रिप्लेस कर दिया अगर आप मैरिड है और आपने उनको कहा है कि कुछ ले लो मेरे लिए तो शायद वो आपके लिए एक रिंग खरीदना चाहते थे लेकिन अभी के लिए उन्होंने वो प्लान अपने दिमाग से ड्रॉप आउट किया है और अगर वो आपको कहीं प्रपोज़ करने वाले थे एंगेजमेंट आपकी होने वाली थी तो वो शायद आपके लिए रिंग खरीद रहे थे या ख़रीद चुके हैं लेकिन अब वो शायद रिंग उनको मिल नहीं रही है एट द सेम टाइम आई थिंक कहीं खो गए हैं कंफ्यूज है लाइफ में और कुछ सवालों के जवाब उनको मिल नहीं रहे हैं तो आई थिंक मे बी बैचलर है अभी वो एंड दे आर थिंकिंग अबाउट एंटरिंग इन रिलेशनशिप विथ यू लेकिन फिर उनकी जिंदगी कैसे होगी बैचलर नहीं रहेंगे वगैरह तो इन सारे चीज़ों से uh, सोच रहे हैं एंड आई थिंक हाउ टू कन्विंस टू दैट फैमिली ये एक बात आ रही है अगर आप मैरिड है तो आई थिंक आप दोनों के बीच शायद थोड़ा सा झगड़ा हुआ है और फैमिली जो है इन लॉज है उन्होंने भी शायद एंट्री की है अब उनको कैसे शांत करें ये भी वो सोच रहे हैं तो ये भी एक हल्का फुल्का एक रीज़न हो सकता है कि वो अभी शांत क्यों है नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वॉन्स फायर साइन एक्शन न्यू आइडिया तो आई थिंक अगर आप रूट गए हैं तो आपको मनाने के लिए एक नया आ, इल्म उन्होंने आ, इजाद किया है आई थिंक दे वॉन्ट टू मेक यू फील गुड और आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं तो शायद आपका मेक ओवर करना चाहते हैं शायद आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं समय नहीं निकाल रहे एक दूसरे को मिलने के लिए ये भी हो सकता है या फिर आप उनसे परेशान हैं या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि गिव देम अ सेकेंड चांस एंड दे वॉन्ट टू रिक्रिएट योर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस तो आपके लाइफ में वापस से चार चांद लगाना चाहते हैं तो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं उसके लिए कुछ आइडिया उन्होंने ढूंढ निकाली है तो शायद आपको कहीं शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं कहीं मॉल ले जाना चाहते हैं या कुछ तो स्पेशल आपके लिए करना चाहते हैं जो आप हमेशा करते हैं आई डोंट नो आपको ही वो पता होगा कि वो कौन सी स्पेशल चीजें आप हमेशा करते हो तो वो आपके लिए करना चाहते हैं आई थिंक बहुत दिनों से आपको समय नहीं मिला है एक दूसरे को जानने के लिए पहचानने के लिए आई थिंक बहुत सारी दूरियाँ आ गई हैं यदि आप साथ भी रहते हो तो भी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई है और उसके कारण क्या हुआ है कि आपकी जो पर्सनल स्पेस है वो बहुत कम हो गई है तो आज वो पर्सनल स्पेस रिगेन करने की कोशिश वो कर सकते हैं नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिसऑनर तो आई थिंक दिस कार्ड कनेक्ट्स की आज वो पूरा दिन जो है वो आपके साथ बिताना चाहते हैं सो इफ़ यू आर स्टेइंग टूगेदर तो आई थिंक वो आपको ऑफर दे सकते हैं कि लेट्स मूव आउट टूगेदर लेट्स रोम समवेयर तो महाराष्ट्र uh, में तो हम जैसे जानते हैं कि अभी के लिए तो डिस्ट्रिक्टिस्ट्रिक्ट का जो एक एंट्री uh, पॉइंट था जो लॉक किया था वो अभी ओपन हो गया है तो आप कहीं भी रोम कर सकते हैं सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न के मे बी ये भी हो सकता है कि दे वॉन्ट टू स्पेंड सन क्वालिटी टाइम विथ यू तो आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं एंड uh, जो भी आपके दिल में था दोनों के दिल में कि कहीं गिले शिकवे हैं तो वो दूर करना चाहते हैं आई थिंक चार या पाँच महीने से आपने एक दूसरे से बात नहीं की है ये भी हो सकता है तो वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं या तो किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में आप खुश तो होना आपको कोई परेशानी है क्या आपके फैमिली क्या कहते हैं वॉट आर योर नेक्स्ट प्लान्स तो अगर आप बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर वर्ड अबाउट यू एंड दे लव यू तो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में तो अगर आपसे सीधे बात कर सकते हैं तो दैट्स वंडरफुल थिंग अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो किसी न किसी से जानकारी निकलवाना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में क्या आप खुश हैं या परेशान हैं या क्या चल रहा है आपके लाइफ में आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सो दे आर वरीड एंड आई थिंक उनको लग रहा है कि आप कोई तो बिग टर्न आउट करने वाले हो अपने लाइफ में तो उनको लग रहा है कि शायद आप अपने लाइफ का कोई बिग डिसीजन लेने वाले हो तो आई थिंक आपने मूव ऑन होने का सोचा है अगर आप दोनों के बीच कहीं ब्रेकअप हुआ था या फिर नो कॉन्ट्रैक्ट जोन में है तो शायद आप उनको भुलाने वाले हो तो ऐसा उनको शायद फील हो रहा है और इसलिए वो थोड़े से डर गए हैं एंड दे डोंट नो व्हाट व्हाट टू टू बी बी डू डन मतलब आगे क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है दे आर वरीड अबाउट इट एंड दे वॉन्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट थिंग टू डू तो आगे अब क्या करे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है या तो सीधे आपसे बात करे, या तो किसी दोस्त के थ्रू आपसे आपसे आप कनेक्ट करे ये उनको लग रहा है नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मोमेंट तो आई थिंक बहुत बड़ी movement वो करने के फिरात में है तो अगर आप नो no contact में हैं तो शायद अचानक से वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं अचानक आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं एट द सेम टाइम ट्वेंटी परसेंट पीपल वुडेंट डू एनीथिंग बीस परसेंट जो लोग है वो शायद कुछ नहीं करेंगे हाँ उनके दिमाग में चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो करे या तो आपसे बात करें या तो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करे व्हाट्सअप टेक्सट करें या कॉल करें या तो आपसे डायरेक्टली जाके मिले क्योंकि उनको पता है आप कहाँ मिलोगे कब मिलोगे सो दे नो एवरीथिंग अबाउट यू लेकिन बीस परसेंट लोग जो है वो शायद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे फिलहाल के लिए बाकी जो लोग हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ करने के इरादे से ही आगे आएंगे कि चलो आपसे मिलते हैं बात करते हैं कम्युनिकेट करते हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग फॉर यू तो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं बिकॉज uh, जैसे हमने पहला कार्ड देखा ये जो कार्ड था कि रिसा तो उनको लग रहा है कि शायद कोई बिग टर्न आउट करने वाले हैं तो उसके लिए डर रहे डर गए हैं और उनको लग रहा है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाए तो कैसा है कि मुंह से तो नहीं कहेंगे डायरेक्टली कि हाँ आई वॉन्ट यू बैक इन लाइफ तो ट्राई टू इंटरेक्ट यू और किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड द फाइनल कार्ड इज इज मेकिंग चॉइस दैट इमोशंस फीलिंग एंड रिलेशनशिप एड ऑफ कप्स तो आई थिंक uh, उनके हाथ में है कि अभी क्या करें मेकिंग हार्ड चॉइस तो आई थिंक ये दिन उनके लिए टफ हो सकता है क्योंकि शायद वो अपने दिल के खिलाफ जा सकते हैं दिल भले कह रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं ये सही समय नहीं है फिर भी वो मूव कर सकते हैं और आपके लाइफ में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं तो अगर आपने बहुत दिनों से या इनफैक्ट महीनों से बात नहीं की है तो अचानक से आपको उनका कॉल टेक्स या मैसेज आ सकता है या फिर कहीं से आपको टेलीपैथी हो सकती है कि सम वन इज थिंकिंग अबाउट यू तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अब किस तरह से कनेक्ट करेंगे ये उनके यूजुअल बिहेवियर के ऊपर होगा तो आप जिस तरह से उन्हें जानते हैं कि या तो वो अपने दोस्तों के थ्रू मूव करेंगे या डायरेक्टली आपके लाइफ में एंटर करेंगे या पहले व्हाट्सअप चैट करेंगे आपसे जानेंगे कि आपका हाल चाल कैसा है क्या आप गुस्सा है या फिर आपने डिसाइड क्या किया है तो जैसे आप अपने लव के बारे में जानते हैं वो उसी तरीके से कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पसंद करेंगे और धीरे धीरे आपके लाइफ में एंट्री करेंगे आ, लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं होगा तो आई थिंक सम ऑफ देम कुड इवन थिंक कि आज का दिन जाने लीजिए तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आज कोई मूव नहीं करेंगे लेकिन सोचेंगे जरूर कि हाँ अभी मुझे क्या करना चाहिए उनके कुछ लोगों के पास क्लैरिटी नहीं होती कुछ लोग डरते हैं कि अगर मैंने डायरेक्टली ये मूव कर दिया और अगर सामने से मुझे नेगेटिव आंसर आया तो मैं क्या करूँगा तो शायद बेइज्जती होगी दोस्त क्या कहेंगे या फिर आप फिर क्या कहोगे थिंक तो दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स और उसके बारे में वो सोच रहे हैं जिनके आंसर उन्हें नहीं मिल रहे हैं नेक्स्ट कार्ड है तो वो है सरप्राइज तो आई थिंक कोई सरप्राइज प्लान करना चाह रहे हैं तो शायद उनके किसी दोस्त का बर्थडे है एंड ऑल्सो बिग सरप्राइज इज कमिंग टू देयर वे एंड आई थिंक अगेन सी अ काइंड ऑफ रिंग तो या तो आपने डिसाइड किया है कि आप उनको कोई रिंग प्रेजेंट करोगे या तो किसी एंगेजमेंट या शादी में जाने का ये सोच रहे हैं अगेन रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ टुडे तो आई थिंक रिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में और आई थिंक या तो वो रिंग पहनना चाहते हैं या पहनने की ख्वाहिश है उनकी और अगर पहले से ही मैरिड है एंड एंगेज है तो आई थिंक यू नीड टू चेक आउट कि उनकी रिंग सही सलामत है या नहीं या उन्होंने कहीं घुमा दी तो ये भी हो सकता है एंड द रिंग इज़ हैविंग वेरी मच इम्पॉर्टेंस फॉर हिम टू तो शायद आपका वो स्पेशल दिन हो सकता है जो आपने एंगेजमेंट की हो या डिसाइड किया हो कि आप एंगेजमेंट करना चाहते हैं या साथ आना चाहते हैं समवेयर द रिंग कनेक्ट्स की वो सीरियस है अबाउट रिलेशनशिप तो अगर आपने सीरियसली रिलेशनशिप में एंट्री नहीं की है तो आज वो सीरियसली सोच रहे हैं कि हाँ अभी ये समय है कि वो आपके लाइफ में एक सीरियस एंट्री कर सकते हैं सो वट डू दे एक्सपेक्ट कि हाँ चलो आपके यहाँ से उनको हाँ मिल जाए तो शायद आपके यहाँ से उनको क्लियर हाँ नहीं मिला है अभी शायद आप दोनों ही सोच रहे हैं क्या करें जिंदगी में आके तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं नेक्स्ट कार्ड है वो है डेस्परेट तो आई थिंक आपसे मिलने के लिए बेताब है और आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बेताब है तो उनको एक मिनट मेरी कैट थी यहाँ पे ओके okay, तो उनको लग रहा है कि कैसे ना करके कैसे भी करके आपसे कम्युनिकेट करें तो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए डेस्परेट है एंड दे वॉन्ट टू मीट यू कुछ फॉर्मल बातें उनको आपसे करनी है तो ये भी हो सकता है कि किसी के शादी में या किसी के एंगेजमेंट में या किसी के रिसेप्शन में आप एक दूसरे से मिल सकते हैं चाहे बात करते हो ना करते हो भी हो सकता है एंड सम हाउ कोई फ्रेंड जो आप दोनों का ही कॉमन फ्रेंड है वो आप दोनों को शायद मिला सकता है या आप दोनों को उसका कॉल आ सकता है और आप दोनों के बारे में इंक्वायर कर सकता है और अपडेट एक दूसरे को दे सकते हैं कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपके लाइफ में तो देखिए वो बहुत डेस्परेट है कैसा होता है कि इंसान के जो वैल्यूज होते हैं कि वो चाहता है कि ये किसी को पता ना चले कि मैं कितना डेस्परेट हूँ द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू लेकिन ये नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं इतना डेस्परेट इतना पागल हूँ तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपने ईगो को या प्राइड को लेके बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप उनको गलत ना समझें या आपको ये ना लगे कि आपके पैर में इतना पागल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं तो आई थिंक शुरुआत में कोई मिस्टेक्स हो गई थी आप दोनों के थ्रू और आप दोनों ही जान चुके थे एक दूसरे के नेचर के बारे में और शायद इनका जो स्वभाव है उसके कारण आप काफी नाराज थे उनके ऊपर कि इतना पन ठीक नहीं है या फिर इतना भी डेस्परेट होना ठीक नहीं है या फिर उन्होंने कहीं डेस्परेशन दिखाया था और कहीं अचानक से बैकआउट किया था तो आपको बहुत हट हुआ था यह इंसान जो मुझे इतना प्यार करता है अचानक से बैकआउट कैसे कर सकता है सो आई थिंक द पर्सन इज रियली नॉट रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर यू तो आपके लिए इतनी हिम्मत वो नहीं जुटा रहा है तो शायद अपने फ्रेंड्स के सामने या जब वो आपसे ओपनली मिलते हैं विदाउट समरफियरेंस तब वो बहुत खुश होते हैं अलग होते हैं लेकिन जब फैमिली की बात आती है या कमिटमेंट की बात आती है तो शायद वो थोड़ा सा डरते हैं तो ये रीज़न है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं उनको कमिटमेंट ना देनी पड़े सो आई थिंक द पर्सन इज़ नॉट दैट बैड लेकिन कमिटमेंट अभी देना नहीं चाहते तो ये आपके हाथ में है कि आप किस हद तक रिलेशनशिप के डीप तक जाना चाहते हैं नेक्स्ट जो कार्ड कार्ड है है वो है patience, तो आई थिंक ये आप दोनों को अप्लाई होता है वो पेशेंस दिखा रहे हैं और पेशेंस दिखाना चाहते हैं uh, इसके पहले जो कार्ड था था वो डेस्परेट लेकिन अपनी गलती सुधारना चाहते हैं देखो वो आपसे मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं लेकिन क्या एक्सपेक्ट है उन्हें आपसे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली exactly वो आपसे क्या चाह रहे हैं क्या वो दोस्ती निभाना चाहते हैं या प्यार निभाना चाहते हैं तो शायद आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बातचीत है वो रुक सी गई है थम सी गई है वो उसको दो दिन हुए हैं दो हफ्ते या दो चार महीने हो गए हैं जिसके कारण क्या हुआ है कि अभी वो रियलाइज़ करना चाहते हैं कि ये क्या है जैसे हम कहते हैं कि ये मैजिक है जादू है या क्या है या फिर भगवान का आशीर्वाद है तो उसी तरीके से वो जानना चाहते हैं कि क्या है वो खिसक रहे हैं आपके बारे में वो जानना चाहते हैं कि ये क्या है लेकिन कैसा है कि अगर वो डेस्परेशन दिखा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा द पर्सन इज मैडली इन लव यू तो अगर जब ऐसा पता होता है तो सामने वाला इंसान जो होता है वो फायदा भी उठा सकता है और आई थिंक इनको वो डर है कि ऐसा ना हो एंड दैट्स द पर्सन इज नॉट टेलिंग यू वट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन हिज हार्ट इसीलिए वो पेशेंस दिखा रहे हैं एंड आई थिंक किसी दोस्त ने उनको एडवाइस दी है या उनके पिताजी ने उनको एडवाइस दी है नेवर शुड एस्पिरेशन टू समन एल्स अदरवाइज इट कैन क्रिएट हार्मफुल रिजल्ट फॉर यू तो ये उनको लग रहा है और ये इनको फॉलो कर रहे हैं गुड so, वर्च्यू और वो आपको पेशेंस दिखा रहे हैं पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब आप उन्हें समझोगे या फिर वो सच्चे दिल से आपके सामने उनके दिल की बात रखेंगे so, वो समय अभी आ रहा है एंड इज पेशेंटली वेटिंग फॉर दैट नेक्स्ट कार्ड है वो है कन्फ्यूज तो जैसे हमने लगातार दो कार्ड देखे पहला था डेस्परेट नेक्स्ट था पेशेंस तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में ये उनको समझ में नहीं आ रहा है फिजिकल कनेक्शन तो इतना दिख नहीं रहा है लेकिन अगर हम फिजिकल कनेक्शन के बारे में सोचे तो एक तरफ तो डेस्परेट है दूसरी तरफ पेशेंस है तो ये दो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि अगर उन्हें फिजिकल कनेक्शन बनाना है एंड डेस्परेट है सो द पर्सन विल नॉट स्टैंड फॉर

Uh, बातें हुई थी आप दोनों के बीच और जिसके कारण आप मिल नहीं पा रहे थे या एक दूसरे से एक दूसरे से चर्चा नहीं कर पा रहे थे तो शायद ऐसी कुछ बात थी आप दोनों के बीच जिस कारण आप दोनों ही एक दूसरे से रुट गए थे कि इसकी एक गलती है उसकी एक गलती है और आई थिंक आप दोनों ने कॉमन मिस्टेक की क्योंकि फ्रेंड्स को बीच में ला दिया और आई थिंक फ्रेंड्स ने भी थोड़ी हेल्प uh, की है आप दोनों को साइड में होने के लिए तो अभी ये जो पर्सन है वो कन्फ्यूज़ है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या है ये अट्रैक्शन है जो थोड़ा बहुत उनको लग रहा है या ये सच्चा प्यार है तो ये दो चीजें हो सकती हैं क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी नहीं है या तो दे भी सकता है लेकिन कैसे दे क्योंकि आई थिंक इन्होंने अपनी फैमिली को क्लियर नहीं किया है एंड विदाउट फैमिलीज इंटरवल विदाउट फैमिलीज इंटरसेप्शन दे ऐसा नहीं चाहते कि आज कमिट करे और कल जाके कहें कि नहीं फैमिली नहीं मान रही है तो हमारे रास्ते अलग तो आपको चीट नहीं करना चाहते आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन लेकिन आपको कमिट करने के लिए डर रहे एंड फाइनल जो कार्ड है है वो रिजेक्टेड तो आई थिंक खुद ही के आंखों में वो खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं या उनको डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं आई थिंक यहाँ फिर से कोई फ्रेंड आ रहा है आप दोनों का कॉमन फ्रेंड शायद उसी ने शायद अफवाह फैलाई है कि यू आर रिजेक्टिंग है कि आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं या आपके लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो गई है तो आई थिंक ये भी बात है जो उनको तकलीफ दे रही है सम हाउ द पर्सन इज नॉट गैदरिंग द स्टमक नॉट कैदरिंग द स्ट्रेंथ तो आई थिंक वो एक बात हो रही है कि बिल्कुल भी स्ट्रेंथ uh, नहीं जुटा पा रहे हैं कि आपसे कहे या बात करे कि वट इज हैिंग इन देर लाइफ फिजिकली सही अगर आपके साथ आना चाहते हैं या इमोशनली आपके साथ आना चाहते हैं तो एटलीस्ट कन्फेस करें जो है उनके दिल में ताकि आपका क्लियर आंसर उन्हें मिल जाए कि येस यू आर गोइंग विद दैम और गोइंग अगेंस्ट दैम क्योंकि अगर एक बार क्लियर इंसान क्लियर जवाब इंसान को मिल जाए तो अपनी लाइफ डिसाइड करता है बहुत लोग होते हैं जिनको क्लियर आंसर कभी नहीं मिलता रिलेशनशिप में या जीवन में और वो यूं ही भटकते रहते हैं तो ये उनके साथ ना हो ऐसे मैं आशा करता हूँ एंड द पर्सन शुड बी एबल टू फाइंड द क्लियर आंसर तो ये था आपके लिए आई होप इट को टूजन विद यू थैंक यू टेक केयर गॉड ब्लेस